हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि अगर इन 11 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि कई बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ ताकि इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो आपको बस इन 11 प्रश्नों को पढ़ लेना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना और लास्ट में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक द्वितीयक सेल का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपके विद्युत धारा चैप्टर का है, तीसरे चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी करवा चुका हूं। तो देखिए, एक द्वितीयक सेल का नाम लिखिए। तो द्वितीयक सेल का नाम अगर देखा जाए तो सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है, तो आप लोग द्वितीयक सेल में लिख सकते हैं सीसा संचायक सेल, ठीक है। तो एक द्वितीयक सेल का नाम लिखिए, तो इसका नाम होगा सीसा संचायक सेल, जो है ये एक द्वितीयक सेल है। समझ में आ गया, एक वर्ड में आपका ये आंसर होगा, यही है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। सेकंड देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है, फॉर्मूला पूछा जा रहा है। देखिए, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए, यानी कि जो सेल होता है उसके टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, तो आपको एक फॉर्मूले के जरिए समझाना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा, सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है, में संबंध। तो देखिए, क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला समझिए, भी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू स्मॉल R, आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। R इक्वल टू कैपिटल R, ब्रेकर में लिखिए E अपान वी माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है आपके सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे ये सब है क्या, तो देखिए स्मॉल आर जो है ये आंतरिक प्रतिरोध है, नोट कर लीजिए, कैपिटल आर जो है ये प्रतिरोध है, ठीक है, ई जो है ये विद्युत वाहक बल है, वी क्या है टर्मिनल विभवांतर है, और वन तो वन है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैपिटल आर जो है वो प्रतिरोध है, स्मॉल आर जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है, जो मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो आपका ई है, ई ये विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो वी है, वी है ये है टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, तो यही रिलेशन होता है आपके टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, इसको भी मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, समझ में आ गया, समझ में आया पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत रहता है, यानी कि जो सेल होता है क्या उसका आंतरिक प्रतिरोध नियत रहता है, यानी कि ना घटता है ना बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता, तो आपको लिख देना नहीं, ठीक है। आगे लिखना है निरंतर, यहां पर कॉमा लगा देना है, नहीं, निरंतर उपयोग करने से धीरे 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 इसका मान बढ़ता जाता है, ठीक है, मान बढ़ता जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत रहता है, तो ऐसा नहीं होता, निरंतर उपयोग करने से धीरे धीरे इसका मान बढ़ता जाता है, यानी कि जितना ज्यादा आप सेल का उपयोग करेंगे उस आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ज्यादा ही बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा एक न्यूमेरिकल है, चौथा क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देख क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है, सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी कि कोई विद्युत परिपथ है, अगर हम उसमें 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करें तो सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है, सेल की विद्युत वाहक बल की आपको गणना करनी है। तो जो कुछ दिया गया उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें विद्युत परिपथ में धारा दिया गया है, धारा इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ये हमें दिया गया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें समय दिया गया है टी, टी दिया गया है हमें कितना, 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 मिनट को अगर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 5 × 60 सेकेंड, 6×5 = 300 सेकेंड यहां पर आपका आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, लेकिन यहां पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य भी किया जाता है, तो यहां पर आपको कार्य भी दिया गया है डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना दिया गया है 1200 जूल, 1200 जूल। बट आपको निकालना क्या, आपको निकालना है ई विद्युत वाहक बल, देखिए सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखिए ई का कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं जिसमें डब्ल्यू आई और टी दोनों आ जाए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आवेश निकालना है, ठीक है। एक फॉर्मूला विद्युत वाहक बल का होता है ई इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो देखिए डब्ल्यू तो हमें दिया गया है बट क्यू नहीं दिया गया है, और हमें यह भी पता है कि क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो पहले हम आई और टी का गुणा करके क्यू निकाल लेते हैं, फिर इस क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए निकालते हैं, तो हमें पता है कि परिपथ में प्रवाहित आवेश का फॉर्मूला, परिपथ में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है, क्यू इक्वल टू होता है आई टी, आई टी, आई की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर देखिए 2 एम्पियर, टी की वैल्यू हमें दी गई है 6×5 = 300, देखिए 300 सेकेंड, इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्यू जो आएगा वो आ जाएगा 600, 300 का 2 से गुणा करेंगे तो 600 कूलाम, 600 कूलाम, ठीक है। हमें क्यू पता चल गया, अब हम विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ई इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान क्यू। अब देखिए डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, डब्ल्यू हमें 1200 दिया गया है तो हम 1200 लिख देंगे, क्यू की वैल्यू हमें 600 दिया, 600 हमने निकाला, देखिए ये 600 तो ये कट हो जाएंगे, हमारा फाइनली आ जाएगा 6×6 = 12, तो ई इक्वल टू जो विद्युत वाहक बल हमारा आएगा ई वो आ जाएगा 2 वोल्ट, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, बस हमारा विद्युत वाहक बल निकल गया। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे ही आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है ये हमारे चौथे चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से है। क्वेश्चन क्या है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मात्रक लिखिए, यानी कि आपको निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मात्रक लिखना है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये मात्रक होता है, या एक और मात्रक होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ साइड में, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। दो मात्रक होते हैं निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का, एक न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिए निर्वात में विद्युतशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता में क्या संबंध है, यानी कि जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है और निर्वात की चुंबकशीलता, विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट, इन दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c², 1/c², ठीक है, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध। देखिए म्यू नॉट आपकी निर्वात की चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, तो इन दोनों में संबंध होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c². अब सी क्या है, सभी को बता, सी क्या बताइए, प्रकाश की चाल, सी क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸
मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, सभी को पता है ये, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही रिलेशन होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। देखिए, किसी आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपको लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को बी से। बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपान 2R, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में प्रवाहित, नहीं सॉरी, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र यही होगा, ठीक है। अगर कोई आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2R, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू नॉट क्या है, आई क्या है और आर क्या है, ठीक है, तीनों को मैं लिख देता हूँ। देखिए म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। उसके बाद में आई है धारा, सभी को पता है। आर क्या है, त्रिज्या, क्योंकि आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है तो आर त्रिज्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली आ सकता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि एक लंबी धारावाही प्रणालिका है, उसके सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं वी से। वी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला होगा किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के किसी सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए बी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र है। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, भी मैंने बताया। यहाँ पर एन क्या है, ये इंटरेस्टेड है, एन है फेरों की संख्या, ठीक है, फेरों की संख्या, प्रति मीटर में कितने फेरे हैं वो है एन, ठीक है। आई क्या है, धारा है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, ये किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के किसी सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, परिणालिका है इसीलिए इसमें फेरे होंगे और एन यहाँ पर फेरों की संख्या है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, जो कि एक न्यूमेरिकल है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है, इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे का तार है, ठीक है। अब 2 मिलीमीटर व्यास है, व्यास हमें दिया गया बट त्रिज्या नहीं दी गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास ये हमें दिया गया है 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से पहले त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2, ठीक है, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। अब व्यास की वैल्यू है 2 मिमी और यहाँ पर त्रिज्या, सॉरी, व्यास बटा 2 है तो 2 नीचे भी एक कट जाएगा, तो हमारी जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर जो हमारी आएगी वो 1 मिलीमीटर आ जाएगी। अब मिलीमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो क्या करना पड़ेगा बताइए, क्योंकि 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 1/1000 हमें कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए 1000 को हम लिख सकते हैं 1/10^3, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 10^3 को तो माइनस में हो जाएगा, तो 10^-3 मीटर। तो अगर आप लोग 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3 होगा, क्यों, क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से भाग देना होगा, 1000 को हम 10^3 लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम आर की वैल्यू लिख सकते हैं, अगर मीटर में लिखें तो 10^-3 मीटर। इतना समझ में आ गया, सबसे पहले आपको व्यास दिया गया है, फिर उससे त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2, फिर हमारी त्रिज्या 1 मिमी आई, मिमी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10^-3 हो जाएगा। धारा हमें 10 एम्पियर दी गई है तो हम धारा लिख देंगे, धारा को हम डिनोट करते हैं आई से, ये हमें दिया गया है 10 एम्पियर, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, देखिए धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी है, तो एक फॉर्मूला लगेगा, बस वही हम लगा देंगे और ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, फॉर्मूला होगा इसका, देखिए बी इक्वल टू
म्यू नॉट आई म्यू नॉट अपान टू पाई इन टू आई अपान आर। ये फॉर्मूला होता है अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे, आर दोनों हमें दी गई, आई 10 दिया गया, आर 10 की पावर माइनस 3 है, तो इसको रखकर हम लगा लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा पेपर ऐड करेंगे, तो देखिए क्या होगा। देखिए तो बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपान टू पाई की एक वैल्यू होती है, उसको याद रखिएगा। म्यू नॉट अपान टू पाई इक्वल टू होता है 2×10⁻⁷। म्यू नॉट अपान टू पाई इक्वल टू होता है 2×10⁻⁷। तो यहाँ पर हम म्यू नॉट अपान टू पाई के जगह पर लिखेंगे 2×10⁻⁷। तो 2×10⁻⁷ हो जाएगा गुड़े। आई की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 10 एम्पियर, तो हम 10 लिख देंगे। आर की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर 10⁻³, तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी इक्वल टू, देखिए 2×10⁻⁷ है, ठीक है। 10⁻⁷ है, इसके 10⁻1 है, तो 7 में से 1 चला जाएगा, तो 10⁻⁶ बचेगा, तो 2×10⁻⁶, ठीक है गुड़े। 10⁻³ है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻³, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। b इक्वल टू हमारा फाइनली आ जाएगा, देखिए 2×10⁻⁶ है, ये 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 2×10⁻³ इसका मात्रक हो जाएगा वेपर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस टेस्ला से कैसे संबंधित है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक गॉस होता है वो टेस्ला से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका एक फॉर्मूला देख लीजिए, इसका वैल्यू एक गॉस इक्वल टू, क्योंकि संबंध पूछा जा रहा है, तो एक गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला। तो यही संबंध है गॉस और टेस्ला में। देखिए एक गॉस की वैल्यू 10⁻⁴ टेस्ला होती है, यही दोनों में रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम से संयोजित किया जाता है, यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो आप लोग आंसर लिखिए कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यही थे आपके टॉप 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये 11 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। इन 11 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट करके बताइए।